कि जिस विहान को तुम आज जानती हो वो मैं बहुत बहुत स्ट्रगल के बाद बनाऊं। मेरे अंदर सिर्फ कड़वाहट थी, जस्ट वाज गुस्सा। ऑल आई वांटेड वाज रिवेंज। लाइफ में ट्रस्ट इश्यूज का भार उठा के चलता था मैं। हर औरत पे शक, सिर्फ शक करता था मैं। तुम्हारी माँ की वजह से मेरे पापा मुझे छोड़ के चले गए, जिसे मैं बहुत प्यार करता था। अचानक एक दिन वो मुझे अबैंडन करके चले गए, बिना कोई एक्सप्लेनेशन के, विदाउट एनीथिंग, बस चले गए। वाह, अब सच सुन के तुम रो रही हो। ओह, जस्ट ग्रेट। लेकिन मैंने सालों तक अपनी माँ को रोता हुआ देखा है, क्योंकि तुम्हारी माँ ने उनके लिए कोई चारा नहीं छोड़ा। तुम्हारी माँ ने मेरी पूरी फैमिली को डिस्ट्रॉय किया है। एक बार सोचा तक भी नहीं कि अपना घर बसाने के लिए वो एक एक बच्चे और उसकी माँ की लाइफ को बर्बाद कर रही है। जी मैम, व्यान आया क्या? नहीं मैम, अभी तक तो नहीं आया। आप चिंता मत कीजिए, सर का खाना रेडी करवा दिया है। सर जैसे ही आएंगे मैं उन्हें सर्व करवा दूंगा। अच्छा ठीक है, तुम जाओ। जी मैम। सर आप गलत समझ रहे हैं, इस सब में मेरी मम्मा की कोई गलती नहीं है। कॉस तुम्हारी माँ की गलती नहीं थी, गलती तो मेरी माँ और मेरी थी ना, और मैं बेवकूफ भी था एक्चुअली। क्या इतना कुछ होने के बावजूद भी मैं सीमा जी से एक बार मिलकर उनसे बात करके उन्हें माफ करके लाइफ में आगे बढ़ना चाहता था, पर लेकिन अरे जो माफी मांग ही नहीं रहा उन्हें माफ कैसे करे। इनफैक्ट माफी छोड़ो, उनमें एक्सेप्टेंस तक नहीं है। मुझे छोड़ो, मेरे पापा को याद नहीं करते। वो मुझसे पूछने लगी कौन विराज रघुवंशी, कौन? Well, that is done. मैं तुमसे पूछ रहा हूं, अगर सीमा जी अपनी लाइफ में इतना आगे बढ़ चुकी है कि वो विराज रघुवंशी को याद नहीं कर रही, तो क्या है ये सब? अरे जब कोई पहचान ही नहीं है तो क्यों आने की कोशिश कर रहे हो हमारी लाइफ में? क्या चाहते हो? अब सीमा जी अपनी बेटी को लेकर आ गई है, और कौन में काम करवा रही हो? क्यों हिस्सा चाहिए? क्यों? क्योंकि उनका अफेयर था मेरे पापा के साथ। विराज, विराज, सीमा, तुम ठीक हो? यश, मैंने मैंने अभी विराज की आवाज सुनी, विराज आ गए। यश, सीमा, सीमा तुम यहाँ अरेस्ट करो, मैं जाके देखता हूँ। वो आएंगे तो मैं तुम्हें बता दूंगा। आएंगे नहीं, आ चुके हैं। मैंने 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 अभी अभी विराज की आवाज सुनी, विराज, विराज आ गए। सीमा, विराज, सीमा सुनो, जाने दो, मैं देखता हूँ। सीमा, सीमा तुम रेस्ट, सीमा व्हाट, बोलो कुछ। सर नहीं, जवाब चाहिए मुझे, वानिया मुझे जवाब चाहिए, जवाब दो। विराज आप आ गए, विराज, विराज, सीमा, विराज, आप हमें छोड़ के नहीं जाएंगे ना विराज? प्रॉमिस कीजिए विराज, आप छोड़कर नहीं जाएंगे ना हमें? हाँ प्रॉमिस मी विराज। मैं माँ बात कर रही हूँ उनसे, मम्मा। अरे मैं बात कर रही हूँ, बात तो करने दो मुझे मम्मा। मैं कितने दिनों बाद आए विराज। सीमा छोड़ो मुझे, बात करेंगे हम। अरे पर सब सब बात करेंगे, दो मिनट तुम यहाँ आओ, दो मिनट आ जाओ, हम बात करेंगे, करेंगे दो मिनट में हम सब बात करेंगे। शांत हो जाओ, दो मिनट बात करेंगे। शांत, देखो दो मिनट,
दवाई लो, पकड़ो लो, पकड़ो एक मिनट। सॉरी सर, वो मम्मा मुझे ये क्या हो रहा है? विराज सर, मम्मा की तबीयत ठीक नहीं है, वो एक्चुअली उन्हें डिमेंशिया है, थोड़े दिन पहले ही डायग्नोज हुआ। एक और झूठ। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ सर, आप खुद देख लीजिए। मुझे ठीक है, चल दवा ले लो, पहले दवा ले लो, लो। लोगों को भूल जाती है वो, कभी कभी तो मुझे भी भूल जाती, पूछती है लड़की लड़की कौन है। अपना टाइम और स्पेस का सारा सेंस खो चुकी है वो। मुझे तो सच पता था, मैं वानिया से जवाब मांगने गया था बस, पर वहां जो सच मुझे पता चला उसमें उसमें जवाब नहीं है, बस सिर्फ सवाल है। मैं इसके लिए तैयार नहीं हूं। कैसा सच? वानिया ने क्या कहा? प्लीज मुझे बताइए ना। एक्चुअली उन्हें डिमेंशिया है। प्रॉमिस कीजिए विराज, आप छोड़कर नहीं जाएंगे ना हमें? नहीं मम्मी, मुझे सीमा, मुझे छोड़ना नहीं है। पापा नहीं है, पापा नहीं है वो। तभी सीमा जी उस दिन आपके फादर को पहचान नहीं पा रही थी, और जब वो अर्थ को आई थी तो वो आपको नहीं बल्कि आपके फादर को मिलने आई थी। सीमा दत्ता और मेरे पापा की एक बेटी है, वो मेरी या आई एम जस्ट लॉस्ट का था। सीमा दत्ता से नाराज नहीं हो सकता मैं, वो मेरे पापा का नाम ले लेके रो रही थी। इस हालत में मैं उनसे क्या पूछूं, मैं क्या कहूं, जिनको कोई सुध बुध नहीं है। मैंने उनसे नफरत तो की थी पर कभी तो ऐसा नहीं सोचा था उनके लिए, उनके साथ ऐसा कुछ हो। मैंने ये नहीं मांगा था, आई स्वेयर। रघुवंशी, पर एक बात की तसल्ली तो है ना कि सीमा जी आपके पापा को बस यूं ही कैजुअली नहीं भूल गई। मिस्टर रघुवंशी, जिस सवाल का जवाब मिला है आप उसके लिए कंफर्ट तो फील करिए, बाकी भी सब धीरे धीरे आप सब फिगर आउट कर लेंगे, आप समझ जाएंगे कि क्या समझूंगा मैं कि मेरे पापा की एक बेटी है जो उनकी गलतियों और धोखे का रिमाइंडर बनके हमेशा मेरे सामने खड़ी रहेगी। मैं पापा से तो लड़ नहीं सकता क्योंकि वो चले गए, कैसे पूछूं उनसे कि ऐसा कैसे कर सकते वो हमारे साथ। प्लीज रिलैक्स। और सीमा जी को भी होश नहीं है तो कौन जवाब देगा मुझे, मेरे खोए हुए बचपन के लिए कौन जवाब देगा मुझे, मेरे पीस ऑफ माइंड के लिए कौन जवाब देगा मुझे, मेरे कॉम्प्लेक्सेस, मेरी फ्रस्ट्रेशन, मेरे अंदर के हर इमोशन के लिए कौन जवाब देगा मुझे। सॉरी।
माँ से क्या कहूंगा, वो तो दिस विल डिस्ट्रॉय हर। पर एक ना एक दिन तो उन्हें पता चलेगा ही ना। अच्छा तो यही होगा कि आप ही उन्हें बताएं। किससे मैं कहूं क्या है, शबे हम बुरी बला है, इतना क्या बुरा था मरना, अगर एक बार होता। गालिब का शेर और सालों तक मां की हकीकत थी। मैंने मेरी मां को हर शाम दुख में रोते हुए देखा है। कैसे बताऊं उन्हें कि जो पति उन्हें छोड़ के चला गया वो एक एक दूसरी एक पूरी दुनिया बसाए बैठा है, और उस दुनिया में उनकी एक बेटी भी है। जैसे ही आप इन बातों का जिक्र करेंगे वो तो उनके तो सारी सारी पुरानी यादें ताजा हो जाएंगी। अगर आप नहीं होती तो शायद मैं अपना अगला कदम नहीं उठा पाता। इनफैक्ट मुझे ऐसा लग रहा है कि उस एक्सीडेंट से मैं बिना खरोच के निकल आया, क्योंकि कहीं ना कहीं आप थी। शायद मेरे लिए प्रे करती हुई। हर बार आप बचा लेती हैं मुझे। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।